हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। देन आप लोगों को इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिक्स पे क्लिक करके आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना, हाइलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद शेडो को थोड़ा इंक्रीज करके आपको व्हाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करना है। लास्ट आपको ब्लैक्स को थोड़ा डिक्रीज करना है। उसके बाद आपको नीचे जाके इस आइकन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करके शार्पनिंग को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद डिटेल को थोड़ा इंक्रीज करके आपको नेक्स्ट नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करके कलर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाकर लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट को सिलेक्ट करना है साइड में ड्रैग करके ऐसे। उसके बाद आपको फिर से लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको फिर से साइड में ड्रैग करके उस नेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन आपको लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करके ब्लैक्स को थोड़ा और डिक्रीज कर देना है। तो ये लाइटरूम एप्लीकेशन में हो गया। उसके बाद आपको इस फोटो को टूलविज एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। ठीक है, आपको टूलविज एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर कर लेना है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सॉफ्ट मास्क के ऊपर क्लिक करके आपको 9th वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मास्क के ऊपर क्लिक करके क्लीन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फोटो को जूम करके पर्सन के हेयर और बियर्ड के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको इस फोटो को सेव करके आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, मतलब शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में इस फोटो को। स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन होने के बाद आपको सिंपली पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करके नीचे जाना है। देन आपको लेंस ब्लर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सर्कल को इसे ड्रैग करके नीचे ले आना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद लेंस ब्लर के ऊपर क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेंस ब्लर को 75 में रख के फेस और बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। नेक्स्ट स्टेप में आपको पेंसिल आइकन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाके डिटेल के ऊपर क्लिक करके स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है। स्ट्रक्चर को आपको इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा 20 के अप रखना है। उसके बाद कर देना है डन। नेक्स्ट स्टेप में पेंसिल पे क्लिक करके तीन इमेज पे क्लिक करके सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको कर देना है डन।
डन करने के बाद सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके व्यू रिज पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्यूनिमेस पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करना है। देन ट्यूनिमेस को 100 में रख के फोटो को जूम करके पर्सन के हेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है इस टूल्स को। उसके बाद आपको कर देना है डन। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिटेल पे क्लिक करके स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको 50 के आप रखना है स्ट्रक्चर को। उसके बाद आपको कर देना है डन। देन आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करके विडिज पे क्लिक करना है, डिटेल्स पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फोटो को जूम करके पर्सन की हेयर और बियर्ड पे अप्लाई करना है। तो ये हो गया है। तो उसके बाद आपको करना है दान। तो गैस